अबे भैया हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या काहे मेरा नाम डुबाने पे लगे हुए हो? बताओ भला, यही दिन देखने के लिए तुमको कैप्टन बनाया था। पहला मैच, पहला ही मैच हरवा दिया जाके। ऐसे अगर करोगे तब तो फिर हम लोग जीत गए ट्रॉफी। ऐसे थोड़ी ना ट्रॉफी जीती जाती है जैसे तुम कप्तानी कर रहे हो। उसरी वाले, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। रोहित डंडा निकाल, एकदम तेल में बोर के ला भैया, तेल लगा के ला एकदम डंडे पे। आज इसकी फिर से टांगे तोड़ देंगे ताकि ये सुतरी वाला फिर से जाके अस्पताल में भर्ती हो जाए और फिर मैं तुमको कैप्टन बना दूं साला। और ये सुसरी वाला किसान, इनको चाहिए T20 वर्ल्ड कप में जगह। सुसरी वाले 0-0 रन बना रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होगा। अबे अंबानी चाचा छोड़ दो यार, इन बिचारों को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। ये सुसरी वाले अभी बच्चा है। ये हार्दिक पांड्या तो मेरा बाबू है, छोटा सा बच्चा है, इससे अभी कुछ मत कहो यार। ये तो अभी शुरुआत कर रहा है, अभी देखो आगे कितने मैच और तुमको हरवाएगा। अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, इसको कप्तान बनाया है तो उसका फल तो तुमको मिलेगा ही। बाकी छोड़ दो यार, जाने दो, ये ईशान किसान को तो जाने ही दो, इसकी तो बात ही मत करो। ये तो सुसरी वाला लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ा रहता है। अब यार चाचा छोड़ दो चाचा यार, इसमें हार्दिक पांड्या की कोई गलती नहीं है। वो तो मेरा बल्ला नहीं चला, मैं नहीं टिक पाया। अगर मैं टिक जाता तो सुसरी वाली पूरी टीम टिका देता, वो तो मैं फेल हो गया। नहीं तो मैं छोड़ता नहीं किसी को। अगर मैं एक घंटे तक टिक जाता भैया, 100-200 रन तो ऐसे ही खड़े खड़े फेल देता, एक एक गेंद फाड़ देता सुसरी वाली को, गेंद को स्टेडियम के पार निकाल देता। इतना पावर रखता है ये तुम्हारा बिहारी ईशान किसान। अबे हाँ बे हाँ, बहुत देखा कितनी बाहर तुमने मारा है, कितने मैदान के बाहर तुमने शॉट मारे हैं, हमने सब देख लिया भैया। जाके पहली ही गेंद पे 0 रन पे आउट होके चले और पवेलियन में आके कोने में बैठ जाओगे सुसरी वाले। ऐसे ही मुंबई को जितवाओगे तुम लोग ट्रॉफी। और ये हार्दिक पांडुरंगा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रोहित तू डंडा लेके क्यों नहीं आया? मैंने बोला था ना, डंडे में तेल लगा के ला एकदम, आज इसकी खाल खींच दूंगा।